आज हम व्रत में खाने वाले इंस्टेंट सागुदाना के पराठे बनाएंगे। इसके लिए सागुदाना को भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पराठा एकदम सॉफ्ट बनता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। इसके साथ खाने के लिए व्रत वाला एक इंस्टेंट आलू की सब्जी भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तुलसी और मेरे रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कप साबुदाना। मार्केट में तीन प्रकार के साबुदाना मिलता है, एक छोटे साइज का, एक बड़े साइज का और एक मीडियम साइज का। मैंने मीडियम साइज का साबुदाना लिया है। आप भी हो सके तो मीडियम साइज का साबुदाना ही लें। साबुदाना को हमें हल्का सा रोस्ट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। धीमी आंच में हम रोस्ट करेंगे। हमारा साबुदाना रोस्ट हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। साबुदाना को एक प्लेट पर निकाल कर ही ठंडा होने दें। अगर कढ़ाई पे रहने देंगे तो वो ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। साबुदाना एकदम ठंडा होने के बाद उसे हम ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी भर के रोस्टेड पीनट भी डाल दिया है, उसका छिलका मैंने अलग कर लिया है। साबुदाना को पीस कर हम एक छलनी से छान लेंगे ताकि इसमें कोई बड़ा चंक्स ना रहे। आप ऐसे साबुदाना के आटा तैयार करके एक एयरटाइट कंटेनर में भर के कुछ दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और आपको जब भी मन करे आप पराठे बनाकर खा सकते हैं। अब हम उबले हुए आलू को इस छोटे वाले साइड से कद्दूकस कर लेंगे ताकि इसमें कोई बड़ा चंक्स ना रहे। देखिए, आलू हमारा कद्दूकस हो गए हैं। अब हम इसका डो तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर एक कप साबुदाना लिया था, तो उसी हिसाब से एक कप ही उबला हुआ आलू लेना है। अब इसमें जाएगा एक चम्मच कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। 5-6 काली मिर्च को कूट कर डाल देंगे। फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। स्वाद अनुसार नमक डाल दें। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक डालें, और सादा खाने के लिए बना रहे हैं तो प्लेन नमक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कसूरी मेथी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, आप डालकर देखिएगा। डो बनाने के लिए मैंने इसमें कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। आलू में जो मॉइस्चर होता है उसी से ही मैंने गूंथ लिया है। अगर आपको ज़्यादा टाइट लगे तो पानी भी इसमें डाल सकते हैं। इसे हम 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे। डो को बहुत ज़्यादा टाइट ना रखें, बाद में थोड़ा सा और टाइट होता है। चलिए अब पराठे तैयार कर लेते हैं। एक बड़ा सा लोई लेंगे और इसे मैंने रागी के आटे में रोल किया है। इसका हम एक बड़ा साइज का रोटी बेल लेंगे। साबुदाना का पराठा बेलते टाइम इसका साइड थोड़ा सा फट जाता है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सेक सकते हैं, और अगर आप इसे गोल बनाना चाहते हैं तो एक ढक्कन या फिर एक बर्तन की मदद से ऐसे कट कर लें। देखिए, हमारा एक गोल पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसे सेक लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने तवा को गर्म होने के लिए रख दिया था। पराठे को हम दोनों तरफ से अच्छे से लाल होने तक सेक लेंगे। पराठे को हम मीडियम आंच पर सेकेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। एक तरफ से सिकने के बाद इसे पलट लेंगे और तेल लगा लेंगे। अब चाहे तो इसमें घी भी लगा सकते हैं। देखिए, पराठा हमारा फूलने लगा है। हल्का हल्का दबाते हुए उसे पूरी तरह से फुलाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ से भी अच्छे से तेल लगा लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आता है, बस इतना ही गोल्डन कलर आता है। दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो गया है हमारा पराठा। अब हमारा पराठा तैयार है, इसे अब हम निकाल लेते हैं और बाकी सारे पराठे को भी हम इसी तरीके से ही तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप साबुदाने के पराठे में रोस्टेड मूंगफली का इस्तेमाल ज़रूर करें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप साबुदाना खाना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी यह पराठा आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम व्रत स्पेशल आलू की सब्जी तैयार कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालकर गर्म होने देंगे। सरसों, जीरा, कटा हुआ हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर अच्छे से चटकने देंगे। एकदम सिंपल रेसिपी है, हम इसमें कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें जाएगा एक बड़ा कटा हुआ टमाटर। टमाटर में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये ना जले। अब इसमें जाएगा हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को मैश होने देंगे। साबुदाना के पराठे बनाने के लिए जब मैंने आलू उबाला था तो 2 आलू मैंने बचा कर रखा था। टमाटर हमारा मैश हो गया है, तो उबले हुए आलू को हम सीधे कढ़ाई पे ही ऐसे मैश कर देंगे, जिससे कि थोड़े से आलू मैश हो जाएंगे और आधा आलू चंक्स में रहेंगे। आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और अच्छे से उबलने देंगे।
और हमारा आलू की सब्जी रेडी हो जाएगा। तो देखा आपने, ये कितना आसान रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है। साबूदाना का पराठा और आलू की सब्जी इतना टेस्टी लगता है, आप इसे बिना व्रत के भी खा सकते हैं। करी हमारा अच्छे से उबलने लगा है, अब हम गैस को बंद कर देंगे, ये रेडी हो गया है। अब चलिए गर्मा गर्म पराठे के साथ इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे बिना व्रत के भी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको साबूदाना खाना पसंद नहीं है तब भी ये आपको बहुत टेस्टी लगेगा, आप जरूर ट्राई करिएगा। एक देखिए कितना सॉफ्ट बना है, आप इसे बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू।